तो फाइनली हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए जलाराम काठियावाड़ी आए हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल यहाँ पे दिख रहा था, अभी इन लोगों ने शेड मार दिया। इसे कितना अच्छा लग रहा है, ये कहाँ का है भैया? ध्यान देना पड़ेगा, आज का यंग और यूथ मतलब बिगड़ रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह सुबह 8:30 बज गए हैं और मनीष प्रजापति, मनीष भाई मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे एकदम से उठाया, लगे चल नीचे आ जा, बाहर जाना है, चाय पीने जाना है। तो मैं ऐसे ही उठा और फटाफट भागा, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी नीचे है 15 मिनट से और मुझे 2-3 बार कॉल कर चुके हैं। मैं जस्ट अभी उठा और मुँह धो हुआ धोया ब्रश किया और अभी सीधा नीचे उतरा। तो कल रात को है ना ज़बरदस्त बारिश हुआ, मतलब रात को नहीं अर्ली सुबह सुबह बारिश हुआ, यहाँ पे इतना आवाज़ आ रहा था, मुझे लगा कौन सुबह सुबह आवे जे, मैंने बेहतर वक्त कॉल करया। ये है मेरे दोस्त अमित, उनका भी नाम अमित है, अमित शाह आया ये संभाल के। मैंने बोला ये मेरे फ्रेंड है, इसका नाम है अमित शाह, मैंने संभाल गया नाम पे बहुत जोर है। नाम सरनेम सब सेम। चलो आ गए फाइनली गाड़ी। कई जवानों से आपने, अरे एसी बंद करो, बहुत ठंडी लागे। अरे सानी मिंडी स्मेल आज, अरे लो कपूर से कपूर। हां कपूर कपूर। हां भाई कई ठक्कर करने कई के छे, कई आगे ठक्कर इवोल्यूशन के भाई दूर से, એટલે અહીંયા થી 5-7 કિલોમીટર છે, એટલે બ્રિજ પછી યસ ઓકે ચાલો જવું હોય તો ત્યાં જઈએ। એક્સિડન્ટ હુઆ લગતા હે ऑटो वाले गए। तो फाइनली हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए जलाराम काठियावाड़ी आए हैं। ये एकदम रॉयल जो अपना क्या है रॉयल गोल्डन रिसोर्ट है ना, जो वाटर पार्क में और ग्रंथ आए थे उसके बिल्कुल बाजू में है ये। तो ब्रेकफास्ट डन और अभी जा रहे घर सीधा, क्योंकि थोड़ी देर में अर्पिता का कॉल आ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मंदिर भी जाना है यहाँ से। क्या क्या मंदिर भी जाना है, कल छुट्टी है ना ग्रंथ, तो ग्रंथ अभी मिल गया, वो पूल से आया है, हम जो जा रहे टेम्पल। कितना तुम लोग सब थे? चलो बाय। ऊपर ना सूर्य देखना है। चलो मंदिर का अपना हो गया, अब ग्रंथ के लिए एक दो चीज़ें लेते हैं, फ्रूट लेते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि वो घर पे आ गया है। अरे आराम से भाई संभाल, हाँ मेरे को लंगड़ी लूली हो जाएगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बच गई है अर्पिता, बच गई। देखो यहाँ एक्टिवा का सर्विस मैंने ना यहाँ पे आगे करवाया था। हाँ आगे वो जो ऑटो खड़ा है ना उस तरफ, उधर ही करवाया था मैंने। अच्छा, ग्रंथ के लिए उपमा और पोहा ले लिया, मेन्यू बड़ा कैंसल। उनकी वाइफ बनाती और ये बेचते। हाँ दिखने से लग रहा है घर का लग रहा है उसमें। बीवी छोड़ के मायके चली जाएगी, माँ के पास बैठ जाएगी, छुट्टी देता ही नहीं है। देखो दिखने से कितना अच्छा लग रहा है, ये कहाँ का है भैया, कहाँ से आता है? नागपुर। कितना है? 125 किलो। बताओ कैसा है उपमा? और ये तू सोच के, जरूरी नहीं है कि होटल में सब अच्छा मिलता है। मतलब हमने तो एक लारी वाले के पास से, मतलब लारी भी नहीं था उसके पास, एक टेबल रख के अंकल ही बैठे थे ना। अच्छा यहाँ पे जो बाहर मिलता है वही? नहीं बाहर था। वो क्या बोले, मेरी बीवी बनाती है और मैं बेचता हूँ। और वो बोला कि मैं ज्यादा मसाला यूज नहीं करता, वेजिटेबल्स यूज करता हूँ। सही बोला था वो। देखो टेस्ट करने दो मुझे ग्रंथ, टेस्ट करो फिर बताओ।
मुझे उपमा तो वैसे भी बहुत ही सुबह, मैं देख के पता चला कि घर का ही है, देख के बता दूंगा। ये देखो सब चटोड़ गया, लेकिन मम्मी के घर का पोहा बहुत अच्छा था। पोहा तो चटोड़ गया पूरा, आधा मैंने। जब पूल से स्विमिंग पूल से जब आते हो ना तो ज्यादा भूख लगती है, बहुत भूख लगती है ना। ग्रंथ को मैंने बोला बार बार सो जा तो बोले, मैंने बोला नहीं सोना है, तो मैंने बोला क्या करना है, तो बोला नाचना है, तो बोला चल नाचते हैं, चल नाचते नाचते नाचते। अर्पिता बाजू के रूम में अरे रे, कल तो रात को बहुत खतरनाक बारिश हुई है। भाई देखो ये ग्रंथ, इट्स नाउ 4:30 और देखो ऐसा लग रहा है कि शाम को 6:30 बजे ना पूरा। देखो ग्रंथ अभी सिल्वेट में दिख रहा है, पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा है, क्योंकि अभी क्या हुआ कि विंटर सीजन है ना। विंटर सीजन नहीं है बेटा, बाहर देखो क्या हाल है, क्या? देखो पूरा एकदम बारिश जैसा सीन हो गया है। देखो तो उस दिन मैं आपको दिखाने वाला था कि देखो नीचे कुछ दिखाना था मुझे, ये देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल यहाँ पे दिख रहा था, अभी इन लोगों ने शेड मार दिया है इसके ऊपर पूरा। हाँ बिकॉज क्या है ना कि यहाँ पे ये जो है ना पार्ट यहाँ पे और एक टावर ऊपर बन रहा है, तो उसका इतना डस्ट नीचे आ रहा है ना यहाँ तक, इतना मतलब आ रहा था, तो पानी गंदा हो रहा था तो बच्चे लोग अगर मतलब स्विमिंग में जाते थे ना तो वो बीमार हो रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने पूरा कवर कर दिया। अब ये परमानेंट है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने जब बात किया ना तो वो लोग बोल रहे थे कि एक बार बिल्डिंग बन जाएगा ना उसके बाद ये निकाल देंगे, बट मुझे लग नहीं रहा है। और मैंने जब भी देखा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हाल है, तो बोलो क्यों है, अभी क्या है कि जो भी अभी समर गया, अभी बीच में पता है जो बारिश गिर रहा था, तो उसके वजह से ना और हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, रेनी सीजन नहीं है ये, बारिश नहीं क्योंकि वो सुबह ही गिर गया था। पप्पू काका ने फोन किया मुझे, बहुत बारिश गिरा, तो बोला उधर भी बारिश हुआ, बहुत गिरा ना बहुत। और दादा ने भी फोन किया तो बोला उधर भी गिरा है, मतलब ये पूरा हर जगह बारिश है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा देख, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आता ना बारिश तो उसका पता चला कि हवा आती तो और ये ज्यादा डार्क होता है, ये अभी तो अगर 5 o'clock होने का है। भाई बाहर से है ना इतनी आवाज आ रही है ना, मतलब बादल की ना अर्पिता, बहुत आ रही है देख। और ग्रंथ नीचे गया है, उसकी आवाज भी आ रही है दोनों की आवाज आ रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीने आए हैं, लेकिन लेने आए थे खाना ना खाना लेने आए थे और यहाँ पे चाय पीने बैठ गए पीछे की तरफ। चेस 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 तीसरी बार चाय, मेरा तो गैस हो गया है मुझे तो। बारिश हो रही है ना पूरी। यहाँ पे कुल्हड़ी में चाय मिल रहा है, अभी फैशन बन गया पता है। और अब हम लोग आए हैं यहाँ पे अपना पता नहीं क्या था नहीं पिज्जा और गार्लिक ब्रेड लेने के लिए, ग्रंथ के लिए वापस सरप्राइज, उसको पता नहीं है, उसको ऐसा था कि मैं मुझे बोल रहा था पता है, वो बोले मैं नहीं खा लूंगा, मैंने कहा ठीक है खा लेना। आओ सो आई जो कैम ये ना रोज जाता है और रोज खेल के आता है। हाँ रोज जाता है, रोज कुछ ना कुछ उसको है ना कुछ लगा के आता है। कहाँ लगाए? पूरे शरीर में। हाँ जाओ चलो फ्रेश से जाओ, तुम्हारा माटे पिज्जा आया छे। तो अभी क्या है ना हम लोग अभी पीछे की तरफ गए थे जहाँ पे नॉर्मली लोग वॉक करने जाते हैं, और इस तरफ पीछे है ना बिल्डिंग का हमारा जो गेट है हमें अलाउड नहीं होता, लेकिन हम लोग फिर वॉक करके चले जाते हैं। और पिता बहुत टाइम के बाद उस तरफ हम दोनों गए तो चाय पीने गए थे, और वहां पे हमने नोटिस किया कि काफी सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे मतलब टीनेजर और ये सब है ना वहां पे स्मोक और ये सब कर रहे थे। इतना धुआं था ना कि मतलब अर्पिता बैठ नहीं पा रही थी वैसा था, लेकिन बीच में मतलब जैसे अर्पिता बोल रही थी एक लड़का स्मोक कर रहा था तो बोला कि जाके बोलू क्या मैं उसको, तो मैंने बोला ऐसे बोल नहीं सकते कि अगर वो अपना इंसल्ट कर देगा तो, बट ऐसा है ना कि माहौल ऐसा अमित आपने देखा ना बहुत छोटे छोटे बच्चे टीनेजर मतलब कॉलेज में और मे बी हो सकता है 11-12 में पढ़ने वाले बच्चे, शायद उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा कि ये लोग स्मोक कर रहे हैं। मीन्स आज की जनरेशन चाहे ना
तो बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन ये बच्चे ऐसे ही सब कर रहे हैं। ये है कि हम लोगों ने मतलब मैंने तो काफी बार देखा हुआ है, लेकिन माहौल अभी कैसे धीरे धीरे बिगड़ रहा है ना, उसको कैसे कंट्रोल में करना चाहिए। मे बी पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा जा रहा है कहाँ। ठीक है, होता है कि झूठ बोल के भी कभी बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, उसके फ्रेंड कैसे हैं, लेकिन उसके दोस्त कैसे होते हैं वो भी आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका बच्चे के फ्रेंड्स कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। और कभी कभी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपको पता है कि आपका बच्चा इस तरफ गया हुआ है ना, तो थोड़ा सा उसके पीछे पीछे जाके भी आप देख सकते हो, अगर रियलिटी देखनी है तो। अगर आपको अपनी आंखों से देखना है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, और आपको डाउट है और आपको लगेगा ना, सिर्फ लड़के हमें, लड़कियां भी कम नहीं है, भी है ऐसा। अगर आपको लगेगा कि मेरा बेटा, मुझे ऐसा डाउट है कि वो स्मोक शायद कर रहा है, तो आपको है ना एक बार पीछे जाके उसको देखना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा। आज का यंग और यूथ मतलब बिगड़ रहा है। मतलब मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे बच्चे अच्छे भी होंगे, लेकिन जो हमने देखा आज, काफी सारे लोग स्मोक करते हैं, मतलब वो देख के थोड़ा सा दुख हो रहा था हमें। मैं तो दंग हो गई हमें, मतलब... क्योंकि हमारा भी बेटा है। हाँ। हमें भी ऐसा लगेगा कि कल को उठ के उसने कुछ किया और हमने देख लिया तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो वो चीज हमें अभी से उसको मतलब उस टाइप का ट्रेनिंग भी दे रहे, उसको समझा रहे कि ये सब चीजें बुरी है, इससे थोड़ा सा दूर रहना। तो अभी से उसको सिखाएंगे तो उसके माइंड में वो घुस जाएगा, तो आगे जाके थैंक गॉड कि वो कुछ मतलब अभी वो अपने हाथ में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है। बड़ा होगा क्या, अभी बाहर पढ़ने जाएगा क्या कर सकते हैं, कहीं हॉस्टल में रहने जाएगा क्या कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है खाना, खाओ और मजे करो। तो आज का ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बाय।